खत्म हो गई, अब जॉब भी लग गई, अब तो शादी करवानी पड़ेगी। चौबे जी नमस्ते। नमस्ते, आपकी बेटी हमें हमारे बेटे के लिए पसंद आई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेटी की नौकरी भी हो गई है, दहेज तो बनता नहीं आजकल, दहेज चलता भी नहीं, लेकिन इन दोनों के सकुशल जीवन के लिए आप दिल्ली में एक फ्लैट दे ही सकते हैं, और उसमें छोटे मोटे सामान जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब तो आप दे ही दीजिएगा, और लड़के के हाथ में 10 लाख रुपए दे ही दीजिएगा तो कहने की बात ही नहीं। 10 लाख? हाँ ठीक है, देखते हैं। पापा ये क्या कह रहे थे, ये पैसे मांग रहे हैं, क्या पढ़ाया लिखाया आपने मुझे, इसलिए कि मैं दहेज दूंगी? इसकी टेंशन तुम मत लो बेटी, वो मेरा जिम्मा है, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी ऐसे लालची घर में शादी। उसका टेंशन तुम मत लो बेटी, वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं किसी भी तरह तुम्हारी शादी कराऊंगा। रो रहे हो? नहीं पापा नहीं। मैंने तो अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया भाई साहब, बहुत पैसा खर्च किया, आज मेरा बेटा तो भाई कलेक्टर बन गया है, मैं तो 2-3 करोड़ से कम नहीं लूंगा। क्या है मेरा बेटा तो पायलट है, पायलट, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 80 लाख से कम लूंगा। हमार बेटवा तो ये सरकारी स्कूल में मास्टर बन गई बा, आ घरे के सब खेती बाड़ी करते बड़ुए, हम तो 20 लाख रुपया एगो डिजायर से तो कम पे मनबे ना कर। लड़की हूँ मैं, लड़की ना, कोई सामान मत बेचो मुझे ऐसे दाम, स्टॉक मार्केट का मैं कोई सामान नहीं, मेरी जिंदगी इतनी आम नहीं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में दहेज लेना या देना उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आजकल हम बोलते हैं कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, और इस तरह से दहेज एक बहुत आज तक समाज में समस्या बन गई है। पहले की बुराई इतना आगे हमारे कपार पे डांडव कर रही है कि सच्चाई पूरी तरह से दब गई है। बहू, हो बहू। हाँ पिताजी। तेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं ना, जा 2-3 लाख रुपए लेते हो। नहीं पिताजी, मैं नहीं ला सकती। सौरभ क्या बोल रही है? तूने सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? मुझे पता नहीं मेरी जॉब चली गई है, जा अपने मायके और मायके से 2-3 लाख रुपए लेकर आ। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं ला सकती, मेरे पापा के ऊपर बहुत सारे लोन है, पहले ही उन्होंने शादी में इतने सारे लोन लिया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ये कहां से कल मुही आ गई, आज इसको जला ही देते हैं। नहीं पिताजी, इसे जलाएंगे नहीं, इसे फांसी देते हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चल ठीक है। नहीं पिताजी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, और दस के देना, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो बचाओ, नहीं नहीं। जैसे कि आप सभी ने देखा, चंद पैसों के खातिर घोट दिया गला किसी के अरमानों का, ये लड़ाई हम सब की है, और मिलजुल कर सामना करें दहेज के लालची लोभों दीवानों का।